नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला बिजनौर में 100 बेड पर आधारित कोविड-19 के संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एक अस्थायी L2 टाइप अस्पताल की स्थापना की जानी है, जिसमें सभी आवश्यक आपातकालीन सुविधाओं के साथ साथ वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि L2 टाइप अस्पताल की स्थापना के लिए भवन का चिन्हीकरण करना सुनिश्चित करें, जो शासन के मानक के अनुरूप और आवागमन के लिए सुलभ होना चाहिए, ताकि मरीजों को लाने और ले जाने में कोई परेशानी न होने पाए। जिलाधिकारी श्री पांडे कल देर शाम अपने आवासीय कार्यालय कक्ष में कोविड-19 की स्थिति से संबंधित नियमित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय कुमार यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. के. निगम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ज्ञान सिंह के अलावा अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे।